पाकिस्तान में तब्दीली आ गई है। अब ये तब्दीली क्या उसी तरह की तब्दीली होगी जिसका नारा और दावा इमरान खान किया करते थे? इस पर आज बातचीत होगी, और सिर्फ यही बातचीत हम नहीं करेंगे कि ये कोई तब्दीली आई है, बल्कि ये बातचीत करेंगे कि इमरान खान और उनकी पार्टी का जो माइंडसेट है वो इक्तदार में ना रहने के बावजूद वैसा ही चलेगा। और इस पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं जनाब कामरान बुखारी साहब वाशिंगटन से। खुशामदेद कामरान बुखारी साहब, हम कई हफ्तों से स्पेकुलेशन कर रहे थे कि कुछ ना कुछ होने जा रहा है, और अल्टीमेटली जो कुछ हुआ लास्ट सैटरडे को वो आपने भी देखा, पूरी दुनिया ने भी देखा। पहले तो मैं ये बताइए कि लास्ट सैटरडे को जो हुआ उसके बारे में आपका क्या तबसरा है? जी देखिए ताहिर साहब, पूरी दुनिया ने जो भी मतलब पाकिस्तानी, चाहे वो मुल्क के अंदर हों या मुल्क से बाहर, साउथ एशियंस या मतलब पूरी दुनिया में जो लोग पाकिस्तान को वॉच करते हैं, उन्होंने एक बहुत ही, जिसे कहते हैं, रोलर कोस्टर हाई ऑक्टेन ड्रामा देखा है, जिसमें उन्होंने ये देखा है कि एक वजीर आजम और उसकी पार्टी जो है वो हुकूमत खोने वाली है, लेकिन वो, जिसे कहते हैं, इक्तदार छोड़ना नहीं चाह रहे थे, और इसने बहुत ज्यादा जो है वो टेंशन क्रिएट की। इसने सिस्टम को बहुत ज्यादा टेस्ट किया है, जो पाकिस्तान की जो भी, जिसे कह लें वीक डेमोक्रेसी कह लें, एक उर्दू में कहते हैं लूली लंगड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप कह लें, जो भी आईनी जमहूरी जो पाकिस्तान के अंदर जिस क्वालिटी का भी है, उस बहस में पड़े बगैर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा टेस्ट था। क्योंकि अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट हो गया है, कि पहला राउंड था जब उन्होंने गैर आईनी इकदाम किए, दूसरा राउंड जो था वो फिर एक वो कुछ दिनों के बाद जब उन्होंने जो अहकाम जारी हुए थे सुप्रीम कोर्ट से उनको मानने से, या वो जो ऑर्डर्स आए थे, यानी साफ एक सिंपल सा ऑर्डर था और एक सिंपल सा प्रोसीजर है कि जी आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग कर, बस इतना करने की जरूरत है, वो नहीं होने दे रहे, और इससे अनसर्टनिटी बढ़ रही है। अनसर्टनिटी के साथ साथ हमने ये देखा अफवाहें बहुत ज्यादा गर्दिश करने लग गई, और यही था कि भाई अब ये एक तरफ ऑपोजिशन है जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चाहती है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंडोर्स कर दिया है, मुसल्ला अफवाज जो हैं वो अपने आप को न्यूट्रल रखने की कोशिश कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं, जो कानूनी काम है वो करने से गुरेज कर रहे हैं, रिजिस्ट कर रहे हैं, और बेसिकली जो है वो एक जो प्रोसेस है, जो कानूनी प्रोसेस है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही। तो अब ये जो डेडलॉक की सिचुएशन बन रही थी, इसमें तमाम लोग यही सोच रहे थे कि अब इनको कैसे जो है इस बात पे आमादा किया जाए कि भाई आप अपने स्पीकर को या डेप्यूटी स्पीकर को ये कहें कि वो वोट जो होना है उसको मुनक्कद करें। तो ये खुद से तो नहीं कर रहे ना, और कोई और ताकत नहीं हुकूमत में, वो है तो और कोई ताकत नहीं है कि जो ये कह सके। सुप्रीम कोर्ट वो ताकत है, उसने ऑर्डर दे दिया है, उसको भी आप डिसरिगार्ड कर रहे हैं, और आपने जो है मतलब टॉक्सिक एक माहौल क्रिएट कर दिया है। तो फिर लोग यही कहते हैं कि बस फिर एक ही इदारा बाकी रह जाता है, और वो है फौज का, कि जो इंटरवीन करे। अब फौजी इंटरवेंशन तरह तरह की हो सकती है। तो उस दिन जो है मैं ड्राइव कर रहा था अपनी फैमिली के साथ, हम कहीं जा रहे थे, लेकिन ये है कि हम, हमारी नजरें जो है वो हमारे फोन्स पे थी, मेरी तो नहीं थी, मैं ड्राइव कर रहा था, लेकिन मेरी वाइफ जो है वो बेसिकली जहां कहीं कनेक्टिविटी जो है वो मिलती तो वो कोई पाकिस्तानी न्यूज चैनल देखने की कोशिश करती है कि भाई क्या हो क्या रहा है। तो ये कहने का मकसद ये है कि पूरी दुनिया में जहां पे भी जो लोग पाकिस्तान को वॉच करते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हैं या नहीं हैं, उनकी नजरें जो हैं वो फोकस थी, वो बेसिकली, वो जैसे कहते हैं ना कि एक सीट के एज पे बैठे हुए थे, जैसे वो
कोई थ्रिलर मूवी नहीं चल रही होती और आप उस सीट के एज पे होते हैं कि अब क्या होने वाला है, सस्पेंस। तो वो माहौल था। शुक्र है कि बिल आखिर मतलब वो इंटरवेंशन जिसका खतरा था वो नहीं हुआ, और पाकिस्तान की, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, जो कमजोर जमहूरी कल्चर है या इदारे हैं या प्रोसेस है या मजमूई तौर पे जो कमजोर जमहूरियत है पाकिस्तान की, उसने वो टेस्ट पास कर लिया कि उसमें जो है जरूरत नहीं पड़ी उस प्रोसेस को इंटरप्ट करने की। क्योंकि अगर जो है ये डेडलॉक हो जाता, और मैं आपके देखने और सुनने वाले को 2013 इजिप्ट की जानब जो है उनकी निगाह डालना चाहूंगा कि जब मुस्लिम ब्रदरहुड के सदर मुरसी, उनके खिलाफ मुजाहरे हो रहे थे और टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ लोग जो हैं, कम से कम कोई उस जमाने में जो आदाद व शुमार थे वो यही था, कोई 20-22 मिलियन लोग जो थे वो सड़कों पे थे और वो चाह रहे थे कि वो रिजाइन कर दें, और वो कह रहे थे कि भाई मैं तो 5 साल के लिए इलेक्ट हुआ हूं, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। तो बिल आखिर उनको रिमूव करने के लिए फौज को जो है वो मार्शल लॉ एक तरह से लगाना पड़ा। तो ये चीज तो पाकिस्तान की तारीख में बहुत ज्यादा हुई है। तो यही डर था कि कहीं हम फिर से वहीं तो नहीं आ गए, लेकिन शुक्र है खुदा का कि वो वहां तक मामला नहीं गया। बल्कि मैं यूं कहूंगा कि पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान का आईन, पाकिस्तान के जो जो दस्तूरी प्रोसेस है वो बरकरार रहा, और उसके उसके बाद जो है वो मामला गो के रात गए तक नहीं सुलझा, यानी रात के 1-2 बज गए थे जब तक के जो है वो फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, उसकी आदादोशुमार हुई और फॉर्मली जो है इमरान खान साहब उनको रिमूव किया गया वजारत उजमा से, और फिर जाके वो कौम ने जो है वो सुख का सांस लिया। क्योंकि उस वक्त जो है वो तमाम सोशल मीडिया में मतलब एक हाई एनर्जी जो है वो एक सिचुएशन थी, और वो बहुत ज्यादा हरकत में था जो है पूरी मतलब सोशल मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया और पाकिस्तान को वॉच करने वाले, जैसे मैं कह रहा हूँ कि वो यही सोच रहे थे कि अब क्या होगा, किस जानब ये रास्ता किस जानब को जा रहा है, ये रास्ता जो है जमहूरियत की सड़क पे बरकरार रहेगा या फिर ये है कि ये कोई डिसरप्शन होने वाला है फिर से। देखिए, इमरान खान ने तो लगता यही है कि पूरी कोशिश की कि किसी न किसी तरह से मार्शल लॉ लग जाए। उस रात बहुत सारी र्यूमर्स आईं और कुछ इनसाइड स्टोरीज भी आईं, जिनमें ये पता चला कि उनकी गालबन आर्मी के हाई ऑफिशियल से मुलाकात भी हुई, और इसके साथ साथ यहाँ तक र्यूमर्स थी कि उन्होंने चीफ द आर्मी स्टाफ को बरतरफ करने का कोई नोटिफिकेशन भी तैयार किया था, लेकिन अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। और चूंकि ये वो खबरें हैं जो वो अंदर ही अंदर रहेंगी, लेकिन जब उनकी बरतरफी हो गई तो फिर एकदम से उनके हामी सोशल मीडिया पे पाकिस्तान आर्मी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर बरस पड़े, और जो अभी तक सिलसिला चल रहा है। तो इस सारे मंजरनामे को आप कैसे देखते हैं? जी, मैं समझता हूँ कि ये वो तो मतलब बला टल गई, और मैंने ट्वीट भी किया था इसके बारे में कल, जब वो फॉर्मेशन कमांडर्स की, जो कि बेसिकली 3 स्टार्स और 2 स्टार्स की गैदरिंग होती है जो रेयर होती है, ज़्यादातर तो सिर्फ कोर कमांडर्स और प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर जो 3 स्टार्स होते हैं वो मिलते हैं आर्मी चीफ से, तो उनको कहते हैं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ये फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस थी और इसका जो वक्त था वो बड़ा अनयूजअल था, यानी ये एक तो दूसरा दिन कल था और परसों जो था वो पहला दिन था, तो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस होती है। तो उसमें यही, उसके बाद जो कम्युनिके आया उसमें यही कहा गया कि भाई जो मुसल्ला फौज है वो आईन की गार्डियन है और आईन को अपहोल्ड करने में उसका मिशन है, और वो उस मिशन को बरकरार रखेगी और आईनी पटरी से मुल्क को नहीं उतरने देंगे। तो ये एक तरह से जो है उन्होंने बेसिकली दो टोक बात की थी, ये एक यूं समझिए कि एक अच्छे अल्फाजों में इमरान खान साहब को ये कहा था कि आप जो है वो गैर आईनी काम जो आप कर रहे हैं हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, और आप बाज आ जाएं। तो ये एक इशारा भी था, ये जिसे कहते हैं प्यार से इशारा किया गया था कि आप बाज आ जाएं। तो
तो और भी जाहिर है टेलीग्राफिंग हो रही होगी, जो कि जिसकी कुछ बाज़ गश्त हमें जो है सोशल मीडिया पे नजर आती है, ट्रेडिशनल मीडिया में नजर आती है। लेकिन ये है कि ये बात सामने आ गई कि अब जो है इमरान खान साहब की जमात जो है इज ऑन इट्स ओन। ये बात बिल्कुल खुल के सामने आ गई कि आप जो मतलब कोई वो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई जाती वो प्रेफरेंसेस हैं कुछ जो ना ऑफिसर्स की, यानी कुछ जनरल्स की, कि वो इमरान खान साहब को जो उनके मुखालफीन से बेहतर समझते हैं, उससे कता नजर बहसियत इदारा, बहसियत चेन ऑफ कमांड, ये बात जो है उस फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में साफ वाजे हो गई थी कि यहाँ पे जो है हम इमरान खान साहब के साथ नहीं हैं, और जो अगर किसी की कोई जाती पसंद है तो उसका इंस्टीट्यूशनल पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है, और जितनी भी जाती पसंदीदगी है या नापसंदीदगी है वो जो टॉप ब्रास है वो उसको सबोर्डिनेट कर रही है अपने इंस्टीट्यूशनल फराइज के नीचे। तो ये तो बेसिकली एक पर्सपेक्टिव फौज की तरफ से था, लेकिन हकीकत ये है कि इमरान खान साहब ने फौज के अंदर, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट के अंदर दरारें डालने की कोशिश की है, और इसका तो मतलब बेशुमार सबूत है। तब वो जिस तरह की उन्होंने बातें की हैं, जिस तरह की वो उन वो जो पूरा वो जो DGISI का जो तकर्री के ऊपर अक्टूबर के महीने में जो एक क्राइसिस बना था, उससे साफ जाहिर होता है कि उन वो जो है कुछ लोगों को पसंद करते थे और कुछ को नहीं पसंद करते थे, कुछ को आगे लाना चाह रहे थे, कुछ को हटाना चाह रहे थे। और वो बात जैसे आपने जिक्र किया, हुकूमत जाने के बाद उन्होंने खुलकर सोशल मीडिया और मुजाहरों के अंदर ये डेमोन्स्ट्रेट की, जनरल बाजवा के खिलाफ नारे लगे, और जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर, अब तो खैर इसके ऊपर तफ्तीश भी हो रही है, आर्मी के भी कुछ बयान आए हैं कि ये जो मलाइनिंग कैंपेन चल रही है, बाकायदा एक सोफिस्टिकेटेड कैंपेन चल रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन लोगों को के खिलाफ को प्रोसिक्यूट किया जाएगा जो इस काम में मुलव्वस हैं, और उनका जो है इशारा इमरान खान साहब की जमात और उनके साथियों की जानिब है, और उनकी जो सपोर्ट बेस के अंदर, क्योंकि तो देखें लोग खुद से तो आके नहीं कहेंगे ना, नारे लगवाए जाते हैं, ट्वीटें जो हैं वो लगवाई जाती हैं। हाँ, हो सकता है बहुत सारे लोग जो हैं वो जज्बाती हैं, इमरान खान साहब की मोहब्बत में वो गिरफ्तार हैं और वो उनको और कुछ नजर नहीं आ रहा, तो वो एक पार्टिजन तरीके से गुस्से में आके जज्बाती होके कुछ कह दें, खुद से कुछ कह दें, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो इक्का दुक्का वाकयात होते हैं। ये मुनज्जम तरीके से इस तरह की बाजगश्त होना, और यहाँ तक के एक्स सर्विसमैन की जानब से, यानी रिटायर्ड फौजियों की जानब से जिनमें मारूफ लोग हैं जो कि मीडिया पे भी आते रहते हैं, उनकी जानब से भी बयान जो आए हैं, उनकी उनसे मुंसलिक जो बयान आए हैं, क्योंकि आज जो है कुछ खबरें आ रही हैं कि वो फेक न्यूज है, कि जो कुछ रिटायर्ड लोगों के से मंसूब की जा रही थी कि उन्होंने जनरल बाजवा के खिलाफ नाजेबा लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, और उन्होंने बेसिकली जो है जो मौजूदा फौजी की आदत है उसके ऊपर जो तनकीद की है, यानी अपने इदारे पे जो तनकीद की है, उनमें से कुछ की वो जो बेसिकली आ रहा है खबरें, मैं आपके शो में आने से पहले वो देख रहा था कि ट्विटर के ऊपर बाजगश चल रही थी कि कोई एक ऐसे हैं जनरल जिनकी जो ट्विटर पे खासे एक्टिव हैं, और उनसे उनके बारे में कहा जा रहा था कि उन्होंने बल्कि एक ऑडियो बयान दिया था रिकॉर्ड करके, तो उसको फेक न्यूज़ अब करार दिया जा रहा है। लेकिन अगर इन चीज़ों से हम हट के देखें तो ये बात तो अब मंजरे आम पे आ चुकी है कि ये जो एक्सपेरिमेंट था इमरान खान का, ये फौज को बहुत महंगा पड़ा है। फौज के अपने अंदर जो है इसने वो रिफ्ट्स क्रिएट किए हैं। रिफ्ट से मुराद ये नहीं है कि कोई फौज में आपस में लड़ाई हो रही है, इससे मुराद ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी भी ये समझते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं और उनकी जमात बेहतर चॉइस है
इन कंपैरिजन टू जो उनके मुखालिफिन यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनमें से ये बहुत बेहतर है। ये जो पर्सपेक्टिव है ना, ये नया है। और ये जो मेरे नजदीक जो जो मुहिमा है, जो मुसल्ला अफवाज जनरल बाजवा उनके सीनियर साथी जो जिस चैलेंज से जो मेरी नजरों में दो चार हैं, वो ये हैं कि एक जानेब वो जैसे मैंने कहा लोगों की प्रेफरेंसेस हैं, मकबूलियत है इमरान खान साहब की मुसल्ला फौज के रैंक्स के अंदर, सीनियर मिड रैंकिंग और जूनियर मैं उनकी तफरीक में नहीं जाऊंगा, मैं मजमूई तौर पे फौज के अंदर उनके बारे में एक मुस्बत राय पाई जाती है, एक प्रेफरेंशियल राय पाई जाती है कि ये शख्स जो है ये बाकियों से बेहतर है, इसकी जमात बाकियों से बेहतर है। तो एक तरफ तो ये है, दूसरी जानेब ये है कि रियलिटी ये है कि अगर वो आपको पसंद भी है, वो गवर्नेंस के एतबार से, मुल्की मफादात के एतबार से, बहसियत एक वजीर आजम के, एक हुक्मरान जमात के, वो मुकम्मल तौर पे फेल हो गई। फेल सिर्फ नहीं हुई, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि मुल्क के जो देरीना मफादात हैं, जो एक देरीना जिसे कहते हैं, जिसको कोई हुकूमत छेड़ती नहीं है, यानी कल को कोई किसी जमात की हुकूमत आ जाए, आ जाए, वो नेशनल इंटरेस्ट के जो इश्यूज हैं, जो कि एक जिसके ऊपर एक इजमा होता है जनरली स्टेक होल्डर्स के दरमियान कि जी अमेरिका से ताल्लुकात, चीन से ताल्लुकात, भारत के साथ कैसे डील करना है, मईशत को चलाने का जो इश्यूज होते हैं, ये तमाम जो इश्यूज हैं इनके ऊपर आपका कोई पार्टिजन राय नहीं होती। ये थोड़ी बहुत पॉलिसी चेंजेस होती हैं कि हाँ भाई एक जमात जो है एक इंटरेस्ट को किस तरीके से परसू कर रही है, क्या पॉलिसी ऑप्शंस इख्तियार कर रही है, क्या चॉइसेस, क्या डिसीजंस ले रही है, लेकिन उसके बियॉन्ड ये एक इतफाक राय है कि ये चीजें पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के लिए सैक्रोसैक्ट है। ठीक है, तो ये इनके ऊपर आप कोई नहीं कर सकते। उस चीज को भी नुकसान पहुंचाया, अमेरिका के साथ ताल्लुकात, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात, चीन के साथ ताल्लुकात, मईशत का बुरा हाल। तो अब फौज एक मुहिमे में है कि भाई ये बंदा तो अच्छा है, ये उनकी राय है, मैं उसको क्वालिटेटिवली एनालाइज नहीं करना चाहूंगा कि वो राय सही है या गलत है, ये लोगों की राय है, मैं उसको वैसे ही ले लूंगा। दूसरी जानब ये है कि उनके मतलब उन्होंने जो है इतना बड़ा नुकसान भी कर दिया, यहां तक कि फौज के इदारे को नुकसान पहुंचा है, उनकी कारकर्दगी का ब्लेम जो है वो फौज के इदारे पे आया है। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आप किसी चीज को मतलब बहुत शिद्दत से पसंद करते हैं, चाहते हैं कि ये आपको हासिल हो जाए, लेकिन वो आप हासिल नहीं कर सकते। सो उसको अंग्रेजी में कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू कैन हैव। सो यहां पे मैं समझता हूं इस वक्त मामला रुका हुआ है कि फौज अब इस न्यू रियलिटी को बेसिकली नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रही है कि इमरान खान साहब के बारे में इदारे का क्या राय थी जो जब उनको लेके आए थे, और आज जब उनको जाने दिया गया है या मतलब उनकी हिफाजत नहीं की गई जब उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया है, तो ये वो जो तब्दीली है उसको इंटरनली फौज जो है प्रोसेस कर रही है अभी भी, क्योंकि ये नया नया है, क्योंकि अभी तक तो ये हुकूमत में थे ना। ठीक है, 1-1.5 साल से जो है वो जो गल्फ है फौज और इमरान खान साहब के दरमियान वो बढ़ रहा था, लेकिन अब वो रियलिटी सामने आई है। तो ठीक है, मतलब एक बहसियत इदारे के उन्होंने एक बयान दिया है, एक इदारे की पोजीशन ली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग जो इमरान खान साहब को सीनियर रैंक्स में पसंद करते हैं उन्होंने अपनी कोई राय तब्दील कर ली है, या वो ये कहने लग गए हैं कि चले ठीक है अब जो है मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी और दीगर और जो जमातें इस हुकूमती नए हुकूमती अलायंस में हैं हम उनको जो है पसंद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। उनको एक तरह से यू कहिए वो मजबूरी के तहत उनको उनसे डील करने पड़ रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ वो उनके बारे में जो
एक राय पाई जाती है कि ये फौज के मुफादात के खिलाफ हैं या मुल्क के मुफादात के खिलाफ हैं। तो ये अब देखना ये होगा कि ये जो नई अलायंस है, जो जिसको कोअलिशन गवर्नमेंट कह लें, कुछ भी कह लें, अभी जो बन रही है, अभी बनी भी नहीं है, ये कैसे फौज के साथ मिलकर चलती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं एलिमेंट होगा देखने के लिए। और दूसरा या बराबर ही होगा कि ये मईशत को कैसे डील करते हैं, क्योंकि इस वक्त मईशत का जो हाल है, जो पाकिस्तान की जो सिचुएशन है फाइनेंशियल, उसी वजह से तो इमरान खान साहब को से छुटकारा हासिल किया है फौज ने। तो अब देखना ये है कि क्या ये जो उनके मुखालफीन है, क्या डिलीवर कर पाते हैं, और फिर उससे पता चलेगा कि कैसा वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप होता है। देखिए, बहुत सारी बातें हैं और आने वाले महीनों में बहुत सारे इश्यूज और भी पैदा होंगे, लेकिन अभी जो आप तबसरा कर रहे थे, आप कह रहे थे कि ऐसा नहीं हुआ कि इमरान खान के खिलाफ इवन फौज के अंदर बहुत मुखालफत बड़ी हो, सिर्फ वो ये देख रहे थे कि मुल्की मफादात का ख्याल नहीं ये प्राइम मिनिस्टर, गुज़िश्ता प्राइम मिनिस्टर नहीं रख सके। अभी भी फौज के रैंक्स में इनकी पसंदीदगी का अच्छा खासा रेशो है, लेकिन क्या आपको हैरत नहीं होती कि एक तो ये डिलीवर नहीं कर सके थे प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, और दूसरा उनका जो नैरेटिव भी रहा या उनकी जो बातचीत करने का अंदाज रहा और इंटरनेशनल लेवल पे जो मैस रहा वो भी खुल के सामने आ गया, इसके बावजूद चाहे वो फौज के अंदर के कुछ रैंक्स हों जो इन तमाम हकायक के बावजूद अभी भी इनको चाहते हैं, या जो नाम निहाद पढ़े लिखे तबके इनकी अभी भी कुछ हमायत कर रहे हैं, या जो जज्बाती नौजवान हमायत कर रहे हैं उनकी तो हम बात समझ सकते हैं, तो क्या वजह है तमाम तर इनकी चीजें एक्सपोज हो जाने के बावजूद? देखिए, ये यूँ समझिए कि ये एक मजमूई तौर पे कौमी पॉलिटिकल कल्चर है, जो बेसिकली पॉलिटिशियन के कैरेक्टर के ऊपर फोकस्ड है, बेस्ड है। यानी हमारा हमारा कल्चर जो है ना पॉलिटिकल, वो इदारों पे बेस्ड नहीं है, मतलब वो इंस्टीट्यूशनल नहीं है। वो जो आउटलुक है आवाम के अंदर, यानी जनरली जो मैसेस के अंदर व्यू है, चाहे वो इलीट तबके हैं, मुतवस्त तबके हैं, या लोअर क्लासेस हैं, गरीब गुरबा हैं, ये हर जगह जो है, ये एक तरह से यूँ समझिए फर्क है किस तरीके से देखा जाता है। लेकिन एक जो कॉमन डिनोमिनेटर है इन तमाम तबकात में जो पाकिस्तानी माशरे का हिस्सा है, उनमें ये है कि सियासत बड़ी पर्सनलाइज्ड है। सियासत को प्रोसेस का नाम नहीं समझा जाता, सियासत को इदारों से मतलब मेजर नहीं किया जाता। यानी सियासत अच्छी है या बुरी है, वो बहुत सिंपल इंडिकेटर्स हैं। अब एक गरीब आदमी है, गरीब आदमी के लिए सियासत बहुत बुरी है अगर महंगाई हो रही है, बहुत सिंपल है, ये तो यूनिवर्सल है, ये तो पूरी दुनिया में ऐसा है, चाहे वो आमरियत है का आमराना निज़ाम है किसी जगह पे, या जमहूरियत है। तो अगर महंगाई होती है तो आम आदमी की रोजमर्रा जिंदगी के ऊपर जो है बहुत जो है उसको नुकसान होता है, वो उस तकलीफ को महसूस करता है, और फिर कहता है कि सियासत जो है बहुत बुरी है। और सियासत क्या है? सियासत इंटेंजिबल नहीं है, सियासत मंसूब होती है। आमराना निजाम में जो है, जो आमिर है, बादशाह है या डिक्टेटर है, ऑटोक्रैट है, तो उसकी जानिब वो जिसे कहते हैं बेचैनी या अपोजिशन या नफरत जो है वो डायरेक्ट होती है। और जमहूरियत के अंदर भी, थर्ड वर्ल्ड के अंदर, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर के, जहाँ एक एक जमहूरी निज़ाम जो है वो सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है और अपने आप को अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, वहां पे भी हम देखते हैं कि हम प्रोसेस को नहीं देखते, आम आदमी प्रोसेस को नहीं देखता। ठीक है, कहता है जैसे आप इस मफरूजे को देख लें कि यार इमरान खान को वोट डालेंगे, यानी मैं बात कर रहा हूँ जब इमरान खान अभी वजीर आजम नहीं बने थे, तो मतलब उस वक्त जो एक राय आमा थी ये था कि बहुत सारे लोगों के अंदर जो के पीटीआई के कोर सपोर्टर नहीं थे,
जो जिनको हम कहते हैं फेंस सिटर्स, अनडिसाइडेड, जो गैर जमाती तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उनको मैं ये कहूंगा कि वो चेंज चाहते हैं, और जिस पे तब्दीली के जो जो नारा था और जो पूरी वो कैंपेन थी जिसे लेवरेज किया गया उस सेंटिमेंट को, वो बेसिकली यही देखते हैं कि यार पीपल्स पार्टी में भुट्टोज और जरदारीज को हमने देख लिया, उन्होंने मतलब करप्शन की, उन्होंने ये किया, कुछ खास नहीं किया, आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया, नवाज शरीफ को भी देख लिया, उनकी भी करप्शन थी, चले उन्होंने रोडे बना दी, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन जो है वो आम आदमी की हालत वही की वही है। तो चले जहां इन लोगों को देख लिया तो एक तीसरे शख्स को हम मौका देना चाहिए। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका के अंदर भी हमने देखा, जब सदर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते थे 2016 में, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कह रहे थे यार ये क्लिंटन्स को हमने देखा हुआ, ठीक है, सदर क्लिंटन का दौर था, और जो है ना हिलरी क्लिंटन साहिबा की कंट्रोवर्शियल कैंडिडेट थी, इतनी मजबूत कैंडिडेट नहीं थी, उनके ऊपर जो है वो एक मनफी राय उनके बारे में पाई जाती थी, मतलब बियॉन्ड द वो डेमोक्रेट रिपब्लिकन डिवाइड जिसको हम कह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा अक्यूट है, ये सेंटिमेंट के जी हम लोगों को देखते हैं, और इस वजह से हम फौज के अंदर भी यही देखेंगे। देखिए फौज जो है वो सबसेट है बड़े, जो ब्रॉडर मुआशरा है पाकिस्तान का, जो ब्रॉडर पाकिस्तानी जो कौम है उसका एक सबसेट है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनके देखने का अंदाज, उनके सोचने समझने का अंदाज मुख्तलिफ होगा। तो वहां पे भी पर्सनैलिटी ड्रिवन है, प्रोसेस ड्रिवन नहीं है, और थोड़ा सा जो है मतलब इसमें एक पैराडॉक्स है यहाँ पे, वो ये है कि आम आदमी से तो ये तवक्को की जा सकती है कि जी चले पाकिस्तान सोशली पॉलिटिकली इतना डेवलप नहीं है, शऊर उस लेवल तक नहीं पहुंचा, क्योंकि लंबे जो है ना फौजी अदवार गुजरे हैं, फौजी अपना हुक्मरानी के, और प्रोसेस को चलने नहीं दिया गया, तो जाहिर है कौम ने कुछ सीखा नहीं। लेकिन फौज जो है वो इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर, इट्स ऑल अबाउट प्रोसेस, इट्स ऑल अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो वहां जो है थोड़ी सी जो है ये पैराडॉक्सिकल है कि वहां पे भी जो है वो पर्सनैलिटी ड्रिवन व्यूज हैं, कि इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता है जी ईमानदार है, ठीक है चले इनकॉम्पिटेंट हैं, चले जोशीले हैं, चले ये हैं वो हैं, लेकिन ईमानदार है। तो ये जरा थोड़ी मुझे हैरत होती है कि जो एक इदारा ऐसा है जिसके पूरे का पूरा जो जो स्ट्रक्चर है, जो निजाम है, वो डीपर्सनलाइज्ड है। देखिए ना कितने जर्नैल आए, कितने जर्नैल चले गए, 3 साल के लिए एक जो ना कोई शख्स किसी कोई 3 स्टार या 4 स्टार जो है वो अपॉइंट होता है, तो शाजर और नाजर जो है ऐसे होता है कि कोई एक्सटेंशन मिलती है, जनरल कियानी को एक एक्सटेंशन मिली थी और एक जनरल बाजवा को मिली थी, लेकिन मतलब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बदलते रहते हैं, आईएसआई के चीफ्स बदलते रहते हैं, इसी तरीके से कोर कमांडर तब्दील होते रहते हैं, तो फौज से कम अज कम फौजी क्यादत में एटलीस्ट ऑफिसर कोर जो है उससे ये तवक्को जो है कम अज कम मेरे लिए जो है वो करना, मैं समझता हूँ हक बजानब है कि भाई आप तो कम अज कम इसको पर्सनलाइज्ड लीडरशिप ना देखें ना, आप तो समझें ठीक है जो है आपके कॉर्पोरेटिस्ट इंटरेस्ट हैं, आप चाहते हैं कि हाँ भाई जो है फौज का एक बहुत बड़ा इनपुट हो पॉलिसी मेकिंग के ऊपर, रियासत के जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसमें जो उसकी एक मुनफरिद पोजिशन है वो वैसी की वैसी रहे, वो बातें अपनी जगह पर है, लेकिन अगर आप सियासत को उसी तरीके से देख रहे हैं, ये शख्स वर्सेस दैट शख्स, नवाज वर्सेस जरदारी वर्सेस इमरान खान वर्सेस समबडी एल्स टुमारो, तो फिर जो है दैट्स स्ट्रेंज, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, सो आई फाइंड दैट रियली पैराडॉक्सिकल। लेकिन आपके आई गेस सवाल का जवाब इसी में है कि ये कल्चर है, ये कल्चर है कि आदमी जो है को हम आदमी को देखते हैं, क्योंकि देखें रियासतें हैं वो डीपर्सनलाइज्ड हैं, इम्पर्सनल होती हैं, जियोपॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स इम्पर्सनल होती है, क्योंकि अगर ये पर्सनलाइज्ड है तो फिर पूरी की पूरी आपकी कौम का जो दारोमदार है वो उस पर्सनैलिटी से है, कि अगर खुदा ना खास्ता उस पर्सनैलिटी को कुछ हो जाता है तो फिर वो कौम कोलैप्स कर सकती है, रियासत कोलैप्स कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है,
और फिर ये भी देखा जाए कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ फौज एक इदारा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी है, जुडिशरी है बहुत बड़ी, सिविल ब्यूरोक्रेसी है, मिनिस्ट्री है, पब्लिक सेक्टर है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इदारे नहीं है, लेकिन जो नेशनल इमेजिनेशन है पॉलिटिक्स के बारे में वो हाईली पर्सनलाइज्ड है, जबकि इसको इम्पर्सनल होना चाहिए, क्योंकि सियासतदान तो आने जाने वाली चीज है ना। अब अगर जो जहां पे जो ज्यादा एडवांस पॉलिटिकली इकोनॉमिकली सोशली एडवांस्ड ममालिक हैं, वहां पे तो ये मतलब नो वन इज इंडिस्पेंसिबल। कि अगर किसी को, वो कहते हैं अंग्रेजी में, इफ यू गेट हिट बाय अ बस तो निजाम तो चलता रहे ना। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिस वजह से हम ये बहुत जज्बात देख रहे हैं कि जैसे अगर शहबाज शरीफ साहब अब बन गए हैं तो कोट अनकोट चोरों का टोला वापस आ गया है, और अब तो कौम की बर्बादी और तबाही लिखी हुई है, और इस बर्बादी और तबाही को रोकने के लिए एक शख्स खड़ा हुआ था और उसका नाम है इमरान खान। तो ये एक बड़ा बेहुदा सा मफरूजा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट इज वॉट इट इज। तो इस बेहुदा से मफरूज़े के तनाजर में और जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल माइंड सेट है, जिसकी आपने भरपूर तरीके से वजाहत की, इमरान खान की सियासत का मुस्तकबिल क्या है? देखें, फिलहाल तो उनको, वो बहुत ऊंचे मुकाम पे थे, बहुत ही हाईली पर्च थे पॉलिटिकली, और वहां से गिरे हैं। तो अब वो फॉल जो है वो खासी मतलब सिग्निफिकेंट है, और वो सिग्निफिकेंट इसलिए है कि एक तो वो अपने बलबूते पे हुकूमत में नहीं आए थे, वो फौज के बलबूते पे एस्टेब्लिशमेंट ने उनकी इमदाद की थी, और वो 2018 में आए थे। ये एक हकीकत है, चाहे हम इसको मानना चाहें या ना मानना चाहें, चाहे इस पे भी रिसर्च होनी बाकी है या नहीं बाकी, ये अब एक वो चीज़ है कि जो साफ जाहिर है। खास तौर पे इस बात से तो बिल्कुल इसमें अब कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि जब वो शफकत का हाथ जो है वो पीछे हटाया गया तो वो चल नहीं सके। मतलब जब आपको बेसिकली जिसको ये अपना न्यूट्रलिटी का जो लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, के जी एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है, इमरान खान साहब ने न्यूट्रल को जानवर भी करार दे दिया कि जी न्यूट्रल तो जानवर होता है, तो इन सब बातों से यही पता चलता है कि इमरान खान साहब 2018 में खुद से इलेक्शन जीत के नहीं आए, और उसका मतलब अब ये है कि अब उनको दोबारा इलेक्शन जीतने के लिए अपने पैर पे खड़ा होना पड़ेगा, अब उनकी कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि अब जो गुंजाइश, परसीव्ड गुंजाइश जो कि एस्टेब्लिशमेंट की निगाह में थी 2018 में, क्योंकि हालात इतने बुरे नहीं थे जो आज हैं, माशरती तौर पे, फाइनेंशियली, फॉरेन रिलेशंस के हिसाब से, सोसाइटी की पोलराइजेशन के हिसाब से, अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत नहीं आई थी, हिंदुस्तान के साथ हालात इतने खराब नहीं थे, पाकिस्तान अमेरिका के साथ हालात इतने खराब नहीं थे, मजमूई तौर पे पिक्चर बहुत बेहतर थी, चाहे इतनी अच्छी भी नहीं थी लेकिन बहुत बेहतर थी। उसमें एस्टैब्लिशमेंट ये अफोर्ड कर सकती थी ये एक्सपेरिमेंट करना कि चलें ये देखते हैं ना, मतलब कि हम होंगे और ये शख्स जो है ये पॉपुलर भी है, और मतलब जो है फोटोजेनिक भी है, और आलमी तौर पे नामवर भी है, और काम चल जाएगा, और हम हैं तो फिर मतलब वो गम क्या गम है, तो वो वाली बात थी। तो उन्होंने एक गैम्बल कर दिया। इस वक्त आई डोंट थिंक कि जो है जो उनकी कारकर्दगी हुई है उसके बाद ये दोबारा इनके ऊपर कोई इन्वेस्ट करे। ये ऐसा ही है, एक सरमायादार है, उसने एक इन्वेस्टमेंट की एक प्रोजेक्ट के ऊपर, वो प्रोजेक्ट फेल हो गया, तो कोई जी शऊर रैशनल इन्वेस्टर दोबारा वहां पे अपने पैसे नहीं लगाता। तो उस लॉजिक को अगर आप यहाँ एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट पे लगाएं, तो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इज मेनी थिंग्स लेकिन इरेशनल नहीं है, ठीक है। ये नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है और ओवररीच करती है, लेकिन इन दी एंड मुल्क का और अपने इदारे का और जो कलेक्टिव नुकसान है वो तो नहीं करेंगे ना। तो अगर ये एक रियलिटी है,
फिर तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब जो हैं वो अन करीब दोबारा हुकूमत में आएंगे। फिर इसकी और भी वजूहात हैं, वो वजूहात ये हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनको अब उनकी पॉलिटिकल लर्निंग जो है वो बड़ी स्टीप होने की जरूरत है, क्योंकि जो उनका बिहेवियर हुकूमत में रहा है तो उससे तो यही नजर आता है कि ही इज अनफिट फॉर गवर्नमेंट। वो एक अच्छे अपोजिशन लीडर हैं, एक अच्छे सोशल मूवमेंट लीडर हैं, कैपेबल हैं, लोगों को सड़कों पे ला सकते हैं, लोगों से जो है वो अपना डोनेशंस ले सकते हैं, चाहे वो अपना फलाही कामों के लिए है या सियासी कामों के लिए है, तो ये तो मतलब उनके अंदर कैपेबिलिटी है, लेकिन गवर्निंग की कैपेबिलिटी उनके पास नहीं है, ना ही उनकी जमात के पास है। और अगर जो है उनको कोई मुआवनत भी कर दी जाए टेक्नोक्रेट के साथ, जो कि की गई थी, बहुत सारे लोग इनकी हुकूमत में वो लोग थे जो मुशर्रफ हुकूमत में भी थे, लेकिन परफॉर्मेंस फिर भी खराब थी, क्योंकि एंड पे तो स्टीयर तो मतलब कप्तान ने करना है ना शिप को, तो अगर कप्तान जो है वो ही मतलब गलत फैसले कर रहा है या उसके अंदर काबिलियत नहीं है तो कैसे होगा। सो आई डोंट आई थिंक कि उनको अभी बहुत लर्निंग करने की जरूरत है, लेकिन वो लर्निंग कर्व बड़ा स्टीप होगा, क्योंकि ये जहां खड़े हैं ये फिर से ये ऐसा है जैसे कि मैं पहले भी आपके शो में कह चुका हूं और हमारे बहुत सारे साथी मीडिया में जो है पाकिस्तानी वो कह चुके हैं कि हमें लगता है कि इमरान खान साहब कभी कंटेनर से उतरे ही नहीं। कंटेनर से मुराद उनकी वो एक अपोजिशन एटीट्यूड, वो अपनी हुकूमत में होते हुए भी एक अपोजिशन लीडर का किरदार अदा कर रहे थे, जो एक तरह से हिलेरियस है लेकिन एक तरह से बड़ी टेलिंग भी है। और वो एक्सप्लेन करता है कि उनकी गवर्नमेंट ने परफॉर्म क्यों नहीं किया, क्योंकि उनका पूरे का पूरा फोकस इस बात पे था कि वो निजाम के खिलाफ। ओ भाई, आप निजाम का हिस्सा हैं, निजाम आपके मातहत है, अब आप चलाइए ना इसको, तो नहीं किया। तो ये देखते हुए तो मुझे लगता है कि इनको बड़ा वक्त लगेगा पॉलिटिकल लर्निंग में। अब सवाल ये है कि क्या वो ये कर सकते हैं, ऑलरेडी उनकी उम्र जो है वो 70 साल है, ठीक है, लोग 69 कहते हैं, 71 कहते हैं, चले 70 साल का है, इवन आउट कर देते। तो अब जो है वो एक उम्र के एक ऐसे हिस्से में, गो के वो अभी सेहतमंद हैं, एक्टिव हैं, एनर्जेटिक हैं, लेकिन 5 साल तक तो ये पॉलिटिकल विल्डरनेस में रहेंगे, क्योंकि ये देखें ये अभी तो ऐसा लग रहा है ये जो हुकूमत आई है ये 2023 तक तो ये रहेंगे, जो लेटेस्ट खबरें हैं। हो सकता है पहले इलेक्शन हो जाए, क्योंकि हो सकता है इनसे कुछ गलतियां हों, इकोनॉमिक हालात ना इतनी स्टेबलाइज हो सकें, तो ये लोग नहीं चाहेंगे कि ये वो सारा ब्लेम जो इमरान खान पे था वो अब इन पे आ जाए, तो हो सकता है जल्दी इलेक्शन करा दें, लेकिन उस जल्दी इलेक्शन में भी इमरान खान साहब का सीटें लेना बहुत मुश्किल है, उनको वो मुआवनत नहीं है एस्टेब्लिशमेंट से। उनके अब ये जो पोल आया गैलप पाकिस्तान का, तो बड़ा टेलिंग है कि एक आप उसको दो तरीके से देख सकते हैं कि लगभग 60% आवाम जो है वो इस चीज को पॉजिटिवली ले रही है कि इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हो गई, मतलब 46% या 45% नंबर जो है मुझे मेरे जहन में नहीं है, लेकिन लगभग इतने लोग हैं जो कि नाखुश हैं कि उनकी हुकूमत गई है, वो उनको ये पसंद नहीं आई ये बात। तो इसको दो तरीके से देखा जा सकता है, एक तो ये कि क्लियर अक्सरियत ने चुप का सांस लिया, लेकिन साथ ही साथ ये जो नंबर का गैप इतना है, ठीक है 57 और 45 या जो भी है, वो उससे ये पता चलता है कि कॉम डिवाइडेड भी है, लेकिन उसके बावजूद पॉपुलैरिटी एक और चीज होती है जो कि रॉ पॉपुलैरिटी होती है, जिसको आप कहते हैं जी कि हम मुजाहिरों में हमारे बड़े लोग आए, हमने 10 शहरों में मुजाहरे किए, बहुत लोग आए, बड़ी अच्छी बात है, क्या वो वोट्स में ट्रांसलेट होता है? नहीं, वोट अलग चीज है, क्योंकि वोट का जो पूल है, अब वोटर्स हैं, जो इलेक्ट्रेट है वो बहुत बड़ी है, उसका आप एक मतलब फ्रैक्शन भी आप किसी मुजाहरे में नहीं ला सकते, क्योंकि वो तादाद इतनी बड़ी, नंबर इतना बड़ा है। तो ये भी जरा एक मिसलीडिंग होता है कि आप कहें जी देखें जी मतलब हद नजर तक जो है ना आवाम का ठाटे मारता हुआ समुंदर है या क्या है, तो देखें कितने पॉपुलर, ये बात गश भी अब चल रही है
कि जी इनको, हाँ ये कहा जा सकता है कि इमरान खान साहब क्राउड पुलर हैं। क्राउड पुल करना एक बात है, मकबूलियत दूसरी बात है। मकबूलियत को फिर आपको कंटेक्सचुलाइज करना पड़ता है कि भाई कितनी परसेंट मकबूलियत है, कितनी परसेंट अवाम आपके साथ है, और कितने परसेंट अवाम आपके, कितने इलेक्शन में आपके कितने लोग जीतते हैं, कहाँ से जीतते हैं, कितनी सीटें मिलती हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि इनको जो है अनकरीब सीटें मिलेंगी। आई थिंक के जो है वो अमेरिका में हम कहते हैं इज रन आउट ऑफ गैस। तो अब मुझे नहीं लगता कि ये अनकरीब दोबारा हुकूमत में आएंगे। हाँ एक लाउड श्रिल पॉलिटिकल फोर्स के तहत जो है ये पोलराइजेशन करते रहेंगे। एक तो इनकी जारहाना स्टाइल है इनकी सियासत का और इनकी जमात का, और अग्रेसिव है। सिर्फ जारहाना नहीं है इन द सेंस के ऑफेंसिव, बल्कि मैं यूँ कहूंगा अग्रेसिव भी है और टॉक्सिक भी है। तो उस वजह से ये टीवी स्क्रीन्स पे रहेंगे, मीडिया में रहेंगे, सोशल मीडिया की इनकी टीमें जो हैं वो खासी सैवी हैं, तो आपको हैशटैग्स और आपको ट्रेंड्स जो हैं वो मिलेंगे ट्विटर के ऊपर और दीगर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। व्हाट्सएप के जो है ना वो चैट रूम्स जो हैं वो मतलब हरकत में रहेंगे, तो वो वहाँ बाज गश्त चलती रहेगी। लेकिन आई रियली सीरियसली डाउट कि ये दोबारा से अपने आप को इकतदार में ला सकेंगे। उसमें अभी वक्त है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होना बाकी हैं। उसमें जो इनके मुखालफीन हैं उनका अटरली फेल होना बड़ा ज़रूरी है, और जो पास्ट एक्सपीरियंस हमने देखा है, पास्ट परफॉर्मेंस देखी है हमने पीपल्स पार्टी की भी और नून लीग की भी, और अब तो उन्होंने फोर्सेस ज्वाइन की हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी किस्म के ऐसे चांसेस लेंगे, रिस्क लेंगे, ऐसे मौके देंगे इमरान खान को कि वो दोबारा से इकतदार में आने के काबिल हो। सो आई डोंट थिंक कि वो उनके इंटरेस्ट में नहीं है। अब वो एक्चुअली क्या करते हैं वो देखना बाकी है, लेकिन जो इस वक्त हालात नजर आ रहे हैं, आई डोंट थिंक कि वो कोई ऐसा कदम करना उठाना चाहेंगे या आपस में इस किस्म की वो कोई कार्रवाई करेंगे। गलतियां हो सकती हैं जो इंसानी, जिसे कहते हैं कि वो बस से बाहर होती हैं। इस इकोनॉमी को, इतनी बड़े मुल्क को जो है वो बैंकरप्सी से दूर ले जाना और जो है इसको फिजिकली और फाइनेंशियली सेफर शोर्स तक लेके जाना बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन दीदा दानिस्ता तौर पे आई डोंट थिंक, आई थिंक जो एक्सपीरियंस, क्योंकि इन्होंने भी कुछ पॉलिटिकल लर्निंग की है ना 4 सालों में, तो इनको भी हुआ है कि भाई मतलब अगर हम दोबारा कोई गड़बड़ करेंगे तो हम दोबारा से पॉलिटिकल विल्डरनेस में जा सकते हैं। तो इनकी भी कोशिश होगी कि ये मौका इमरान खान को ना दें, ना ही एस्टेब्लिशमेंट को दें। तो आई गेस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के हालात जो है वो इतने खराब हो चुके हैं कि देर इज नो वे अप, नो 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 वे आउट अदर देन अप। अब वो कितना अप जाते हैं वो देखना बाकी है। बहुत शुक्रिया कामन बुखारी साहब। मैंने पूछना था आपसे कि इस नई कोलिशन हुकूमत से क्या तोक़ोआत है, मगर मेरे पूछे बगैर ही आपने बैनुस्तूर बहुत सारी जगहों पे इशारा दे दिया कि इस गवर्नमेंट ने बहुत कुछ सीखा है इन 4 सालों में भी, और अगर वो परफॉर्म ना कर सके तो ये इस गवर्नमेंट का ही फेलियर नहीं होगा, बदकिस्मती से पाकिस्तान का फेलियर होगा। बातचीत होगी अगले हफ्ते आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। व्यूज़ बातचीत सुन रहे थे आप कामरान बुखारी साहब की, और उनका ये खसूसी एनालिसिस स्ट्रेटेजिक थिंकिंग विद कामरान बुखारी आप हर हफ्ते देखते हैं। और हमारा टैग टीवी सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ साथ आप हमें डोनेट के बटन को क्लिक करके कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.